और ये जो नपुंसक तेरे सामने बैठा हुआ है ना, ये मोमिन मलिक साहब की जो एक्टिंग कर रहा है, ये नपुंसक है नपुंसक, ये कभी कहीं कुछ काम नहीं कर बिल्कुल सकता, ये बिल्कुल नपुंसक। तूने मूंगफली बोला था ना इसको, मूंगफली नहीं ये नपुंसक है, बाढ़ में जा तू, बाद की देख लेंगे जो होगा, हमारा भाई निपट लेगा। इसको तो बड़ा घमंड था अपने पैसों पे, इसको तो बड़ा घमंड था अपने नाचने पे, इसको तो बड़ा घमंड था अपने लटके झटकों पे, इसको तो बड़ा घमंड था अपने उन 50 यारों पे जिनके घर से इसके पैसे आते, जिसके घर से, जिनके घर से इसका घर घर से घर खर्चा चलता है। दो कौड़ी की, 2 टके की औरत हमारे मोमिन सर को बोलेगी तेरे हम जीव निकाल के गले पे ना बांध दें, तो अपने आप को क्या समझती है? गैरतमंद होती, जिस देश का खा रही है उसी में छेद कर रही है, जिस थाली पे खा रही है। अरे तेरी जैसी बेशरम औरतें तो ना, पता क्या है, जो भीख मांगते हैं ना वो अच्छे हैं, कम से कम अपनी इज्जत और उस पर रहते हैं। तेरी जैसी औरत कह रही है मोमिन सर को कि तो कह रहा है कि हम ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, हमारे घर में आ जा तो 2 टाइम का नहीं मैं 4 टाइम का खिलाऊंगी। तेरी औकात है पता, उनके नौकरों के जो नौकर है ना उनको खिलाने की भी तेरी औकात नहीं है, ध्यान से सुन ले थोड़ी, समझी? उनके घर में जो नौकर है ना, उनके जो नौकर है, नौकरों के नौकर, जी उनको भी खिलाने की तेरी औकात नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ इसको ही बोलते थे, अभी तक तो हम लप्पू को इतना नहीं बोलते थे, पर ये लप्पू को तो कम शर्म आनी चाहिए। अगर तू मतलब जिस तरह से कल तो एक्टिंग कर रहा था ना, मुझे तो ये लगा कि अरे मोमिन सर कब चले गए यहाँ, मोमिन सर ने इसके गले में पट्टा बांधा, ये मोमिन सर के पीछे पीछे काम भोंकते भोंकते जा रहे हैं। साले कुत्ते तो तू, कुत्ता तो तू लगता है। तूने क्या बोला, तूने क्या स्टेटमेंट दी कि तुम गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और तेरी औकात तब भी नहीं होगी तो अगर अपने वहां मुल्क भी चली जाएगी, तेरी औकात तब भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे टुकड़ों पे पल रही है, हमारे सरकार के टुकड़ों पे पल रही है, हम लोगों की छाती पे मूंग खा रही है। पर ये लप्पू ओए क्षेत्रपाल का छोकरा, सारे चेहरे में ऐसे हालत करेंगे ना, तो जो कुत्तों की तरह से तो भौंक रहा था ना, जो तो आके कैमरे के आगे आके ये भुंडी से शक्ल दिखा रहा था, चलो ऐसा पंच मारूंगी ना सारे के सारे टूट के गिर के, पता नहीं चलेगा तुझे कब टूट गए। तेरे को तमीज और तहजीब नहीं है साले, अपने आप को तो बहुत ज्यादा 30 मार्खा समझ रहा है, लुगाई के लटके झटकों पे पलने वाला साला, 2 कौड़ी का 2 टके का आदमी, लुगाई को तो दचा रहा है तब तो उसकी कमाई खा रहा है। तेरे में इतनी औकात नहीं, मर्द नहीं है क्या जब कमा के बाहर से खिला सके इसको? 4 बच्चों की माँ तो यहाँ बुला दी, हैदर भाई का पैसा लेके तो तुमने बुला दी यहाँ, स्मार्टफोन लेने के लिए तो तुमने इसको कॉल कर दी कि वहां से मुझे 50,000 रुपये भेज, तूने तब क्या, आज मैं बोलती हूँ तब क्या तूने अपनी माँ बहने नहीं देखी थी? तेरे घर में तब माँ बहने नहीं थी? तूने दूसरी की बीबी को बुलाया, दूसरे के बच्चों को यहाँ तूने बुलाया सिर्फ किस लिए? अपने फायदे के लिए। जब वो पैसे खत्म हो गए तब तूने नचाना शुरू कर दिया उसको, साले कुत्ते की औलाद तो तू है, समझा? क्षेत्रपाल तेरी ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, तू क्षेत्रपाल भी और तू तेरा क्षेत्रपाल भी और तू भी। अब बोले क्षेत्रपाल मुझे, कर क्षेत्रपाल मुझ पर केस कर, तेरी औकात है तो कर क्षेत्रपाल, कैसे औलाद पाली तूने? एक तो अच्छा बाप नहीं बन सका तो एक अच्छा इंसान तो बन ले, समझा ले इनको जाके, समझा इनका मुंह बंद कर, समझा ना? वो 2 कौड़ी की बेगैरत औरत, वो माँ बैठी हुई थी वहां पे, साली तेरे को नहीं पता तेरी औलाद क्या कर्म कर रही है, क्या भौंक रही है कुत्तों की तरह? तू मना नहीं कर सकती थी उसको कि भाई इतने बड़े आदमी के लिए ठीक है केस केस की तरह लड़ो, केस है जाओ कोर्ट में जाओ, मोमिन सर ने बोला कोर्ट में आओ केस लड़ो, पेशी पे आओ, पर्सनल अटैक किस लिए? क्योंकि वो वाकई में इतने रिच है, उनके पैसों से जलन हो रही है, वो तुम जैसे लोगों को फ्री में अपने खेतों में मकान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं खेतों में काम भी मत करो, 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, इतना कर रहे हैं, जल गए तुम्हारी, जल गई और इस बेगरत औरत की ज्यादा मिर्ची लग गई। बोल मेरे को मेरा नाम लेके गाली दे ना, कल सुबह रघुपुरा आके तेरी जीभ खींच रही, इस बात की गारंटी, मैं नहीं डरती किसी को देखती, ठीक है ना? बिल्कुल, तो उस व्यक्ति को, 2 कौड़ी की औरत को, उस व्यक्ति को तू कह रही है कि हम तो खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, हम तो तुझे सोने के लिए भी जगह देंगे, हम तो तुझे सोने की जगह भी देंगे, हम तुझे 2 टाइम का नहीं 4 टाइम का खाना देंगे। अरे 4 टाइम का खाना तो वो पता क्या है गरीबों में बांटते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, जो बंदा 1,00,000 रुपए कमाता है ना, 70,000 रुपए पर महीने वो बंदा गरीबों में, विधवाओं में, ऐसे लोगों में बांटता है, पता है तुझे? अब सावधान, अब देख लेना। अरे तेरी जैसी बेगरत औरतों को बांटता है, पर तेरी औकात नहीं है उनके पैसे लेने की, तेरी औकात नहीं है। अगर तेरे ढंग सही होते ना, तेरी औकात सही होती तो तेरे को भी फेंक देते वो कुत्ते की तरह, तेरे को भी फेंक देते, तेरे तेरे उस पर भी फेंक देते कुत्तों की तरह कि ले तू भी खा भाई, तू तो है ही, तू भी वही है। मैं नाम नहीं बोलूंगी, बिच, तू भी बिच है। जिन कुत्तों को तो रोड पे दूध पिलाती है ना, तो उनसे कम नहीं है हमारे लिए, हमारे देश में रह के। तो कब से सनातनी हो गई तेरे को? किसने बोल दिया सनातनी हो गई? कहा है तेरा भाई? ला अपने भाई को, अपने भाई को बाहर निकाल, निकाल। कहा है तेरा भाई? करवा हमसे बात, करवा। इतनी औकात है भाई की तो हमसे बात करवा। हमसे बात क्यों नहीं करता तेरा भाई? मैं देखूं तो कैसे सनातनी बनी है, हम देखें तो कैसे सनातनी बनी है, दिखाना कहां से सर्टिफिकेट बना दिया एक दिन में कोई। तू एक दिन में तेरा साधु और साधु बाबा आया जिस दिन जन्माष्टमी थी, वो तेरे को शिक्षा दीक्षा दे के नहीं गया, वो तेरे पे दौरे डाल के गया, लाल टपक रही थी उसके मुंह से, समझी? वो तो कुछ लेकर ही गया होगा। जब मास्टर बन के आता है और तेरा तेरा मजरू बन के जाता है, बेशरम औरत, मुंह खुलो। आज तो मैं इतना मुंह खुला क्योंकि कल के लिटरली कल मेरे आंखों में आंसू थे, जब इस बेगरत इस कुत्ते इंसान ने, ये जो सचिन है ना, इस कुत्ते ने जब कल बोला ना कि तू तो दूध भी नहीं पीता होगा, हमारे तो घर में राहुल को डॉगियों को दूध पिलाया जाता है, और अगर तेरे को पीना है तो हमारे डॉगी का बर्तन खाली है, वो पी ले, वो उसमें आके पी ले। अरे तेरे जैसों को तो वो ना कुत्ता भी ना रखे, तेरे जैसों को तो वो अपनी गाड़ी साफ करने के लिए भी ना रखे, पता है तुझे? करेक्ट मैडम, पता है तुझे? बिल्कुल। तो जिस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं ना, उस व्यक्ति ने आके हम लोगों को इतना सहारा दिया, भाई है हमारा भाई। बिल्कुल। ये जो बेगरत औरत, बदतमीज और बेशरम औरत तूने अपने बगल में बिठा रखी है ना, ये भगोड़ी, और ये कहती है कि भगोड़ी बोलते हैं, 13 साल की उम्र से तो भाग रही है, भगोड़ी भगोड़ी भगोड़ी, समझी? कहाँ कहाँ नहीं पकड़ी गई है तू, तू कहाँ कहाँ नहीं पकड़ी गई? तूने कल एक्सेप्ट किया ना, हाँ हूँ मैं भगोड़ी, हाँ हूँ मैं भगोड़ी। अभी तो हर चीज एक्सेप्ट करेगी, अभी तो हर चीज एक्सेप्ट करेगी। मुंह मत खुलवाना, क्योंकि तेरे को पता है हम भारतीय नारियां हैं, और भारत की नारी अपने देश के लिए जान, जब जान दे सकती है ना, तो जो हमारा भाई हमारी रक्षा कर रहा है ना, उसके लिए जान भी ले सकते हैं, समझी? जी बिल्कुल, समझी तू? जो भाई हमारी रक्षा कर रहा है अभी भी थाने में, वो उन व्यक्तियों के लिए वो FIR करवा के आए हैं जो हमको सिर्फ और सिर्फ तुझ जैसी बेगरत औरत के लिए, तेरे ठुमके देख के, तेरी कमर देख के, तेरी माँ की तो तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वजह से जो हमको हमारे देश के लोग गाली दे रहे हैं ना, उनके ऊपर अभी भी FIR दर्ज करवा के आ रहे हैं। बता भगोरी बेशक बेगरत औरत, तू क्या हमारे देश में फूट डलवाने आई है? हमारे देश में फूट डलवाने आई है, तेरे को फोड़ देंगे। हमारे उसका इम्तहान मत लेना, हमारे कब्र का इम्तहान मत लेना, हम अपने कानून की इज्जत करते हैं, समझे ना, इसलिए चुप हैं। नहीं तो तेरे को पता है ना, आत्मा आगे को कोई नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। आत्मा पहुंच भी गए थे वहां पे, किसी को तो चिटिया पकड़ के ना बाहर निकाल के रगड़ते हुए वो वहां तक छोड़ के आ सकते थे, समझी? तूने बोला ना कि आस्था माँ जी मैं सनातनी बनना चाहती हूँ, मुझे सिखाओ। तेरी जैसी तू हमारी गाय माता खाने वाली, और अब तो कह रही है कि मैं जब से संपर्क में आई हूँ तब से मैं सनातनी बन गई हूँ, अगर बेगरत औरत। तू जब आई थी ना, उससे एक दिन पहले खा रही थी वाइट बिरयानी, खा आपने मरे हुए अबू की कसम, खा आपने दिन चारों बच्चों की कसम कि नहीं खा रही थी। दो हजार तेईस सात मार्च को तो चिकन खा रही है, तूने वो फोटो डिलीट कर दी इंस्टाग्राम से। अगर तेरे को डर नहीं था तो क्यों की तू? अगर अपने सगे बाप के एक बाप की औलाद है तो क्यों की तूने? तो हमारे देश के हमारे हिंदू हमारे उस भाई पे एलिगेशन लगाएगी जो तेरी खटिया खड़ी कर रहे हैं, तेरी पोल खोल रहे हैं। अब वो तेरी पोल खोल रहे तो तेरी आग लग रही है दोनों जगह से, ऊपर नीचे से।
और इस लप्पू को इंडिया में नहीं रहना, मुझे लग रहा है मोमिन सर को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किक मारने की। इतनी बुरी किक मारेंगे ना साले यहाँ से, और सीधा जाके वहां पाकिस्तान रुकेगा। तू बुला अपने भाई को, तेरा भाई, तू क्या कह रही थी कल कि मतलब तेरे को, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तेरे को कितनी भीख चाहिए, कितनी भूख है तुझे सोफों की, तेरे को कितनी भूख है। तो कल लाइव में बोल रही है वो भैया भी आ जा और उसके बाद रात को, सही है, जो भी भैया आएगा दिन में तुमने राखी बांध देनी है, रात को दिन रात को तुमने बोलना यही रुको सही है बना देना है, तेरा तो कहा नहीं है, इसलिए तो कमा रही है, समझी, इस चीज का तो खा रही है। जैसी बेगैरत औरत हमारे देश में आके हमारे वकील को, और कोई इस तरह की बात बोलेगी, क्योंकि वो तेरी जो असलियत है वो सामने ला रहे हैं, इसलिए क्योंकि तूने सोचा था मेरा भाई भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, डरा रही थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का वकील है, क्या सुप्रीम कोर्ट का वकील है, किसने बुलाया उसको हाथरस में बता, बेगैरत खुद अकेला गया, अपने आप ही गया है, बाबा अभी तक नहीं मिला है, और खुद ही वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं उसका वकील, ये है तेरे भाई की असलियत, ठीक है, समझी, तुझे छोड़ के चला गया है। कल को अगर तेरी कोर्ट में सुनवाई के लिए, पेशी के लिए तेरी डेट लगती है ना, तेरा भाई नहीं आने का, गयो तेरा भाई तो गयो भैया पत्ता साफ, लेकिन अब भगोड़ी वैसे तो तू मंडे से तो तू आएगी नहीं, तेरी ना कोई फिल्म आएगी, ना कोई रील आएगी, ना तो कोई रील अपलोड कर सकती है ना, बनाते तो 100 रख ले, 200 रख ले, 1 करोड़ रख ले, अपलोड नहीं कर सकती है,